हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं जो आपके आई होता है, ओथल में होता है, उसके अंदर जो आयोवा के अंदर आपसे इंस्ट्रूमेंट पूछे जाते हैं, वो आपके साथ मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। तो पहला इंस्ट्रूमेंट आता है दोस्तों कैरेटोन। दोस्तों कैरेटोन में आपको क्या पता होना चाहिए कि ये कहाँ यूज़ क्या होता है। इसका यूज है नंबर वन लिम्बल सेक्शन इन कैटरेक्ट सर्जरी, सेकेंड आता है टू एंट्री इन 20 चैम्बर आफ्टर मेकिंग स्क्लेरो कॉर्नियल टनल इन जो कैटरेक्ट सर्जरी होता है, कौन सी मैनुअल SICS और फैक्यूम एल्सिफिकेशन। नेक्स्ट दोस्तों इंस्ट्रूमेंट आता है आपका यूनिवर्सल वायर स्पेकुलम। यूनिवर्सल वायर स्पेकुलम ठीक है, इसका यूज़ क्या क्या है, जो आप डिफरेंट जो सर्जरी हैं इंट्राकुलर और एक्स्ट्राकुलर उसमें जो आई लिक्विड को सेपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल सर्जरी, टेरेजिंग ऑक्सीजन, स्क्विंट ऑपरेशन, सब कंजेक्टिवल एंड सब टेनन इंजेक्शन, ई विसरेशन एंड ई न्यूक्लिएशन। नेक्स्ट जो आपका आता है इंस्ट्रूमेंट वो है पंक्टम डायलेटर। पंक्टम डायलेटर आप जैसे आपको लैक्रिम लेपरेटस होता है उसमें जो टीयर का फ्लो होता है वहाँ पर पंक्टम ओपनिंग होती है, यदि वो ब्लॉकेज हो जाती है ना उसको ओपन करने के लिए पंक्टम डायलेटर यूज़ किया जाता है। तो पहले क्या यूज़ करते हैं हम 4% लिग्नोकेन, ठीक है, पुट द लोअर आई लीड मिडली रोटेटरी मूवमेंट। और इसका यूज़ कहाँ कहाँ है, डायलेट पंक्टम, कंजनाइटल डेक्ट्रोसिस्टाइटिस एंड डोरिंग DCR ऑपरेशन, ठीक है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट आता है दोस्तों आपका टूथ फोर्सेप्स। ये आल्सो कॉल्ड सेंट मार्टिन फोर्सेप्स, और इसका यूज़ क्या है, टू होल्ड स्क्लेरा एंड कॉर्निया लिप डोरिंग कैटरेक्ट सर्जरी, ठीक है, CS मतलब कैटरेक्ट सर्जरी। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट दोस्तों आता है स्प्रिंग एक्शन बैरेक्वेयर नीडल होल्डर। इसमें आपको पता होना चाहिए कि इसमें स्प्रिंग एक्शन होता है, ठीक है, एक बार हम प्रेस करेंगे तो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा ये। और इसके अंदर इसका यूज़ क्या है, वो यूज़ होता है नंबर वन कॉर्नियोस्क्लेरल सुचरिंग आफ्टर कैटरेक्ट सर्जरी, सेकेंड आता है स्क्लेरा सुचरिंग इन स्क्विंट, ठीक है, ये आपके यूज हो गए स्प्रिंग एक्शन बैरेक्वेयर नीडल होल्डर का। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों आयरिस डिपोजिटर। ये यूज होता है जो आपका रिपोजिट ऑफ टू रिपोजिट आयरिस आफ्टर डिलीवरी ऑफ लेंस इन ICC या कैटरेक्ट सर्जरी, ठीक है। सेकंड है आयरिडोटोमी, के बाद भी हम इसको वापस रिपोजिट कर सकते हैं, ठीक है, आयरिडोटोमी मतलब आपका होल कर देना अंदर। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट आता है यूनिवर्सल स्प्रिंग एक्शन कॉर्नियोस्क्लेरल सीजर। इसका यूज़ आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये इसका यूज़ आता है, देखिए इसके अंदर इसको हम पहचानते कैसे हैं, इसके अंदर बीच में होल होते हैं आप देख सकते हैं, ठीक है, बाकी इंस्ट्रूमेंट में आपको ऐसा नहीं मिलेगा। इसका यूज़ है टू एक्सटेंड अब एक्सटर्नो सेक्शन इन कैटरेक्ट सर्जरी और टू कट कॉर्नियल बटन फ्रॉम डोनर इन केराटोप्लास्टी, ठीक है, ये आपके यूज़ हो गए किसका, यूनिवर्सल स्प्रिंग एक्शन कॉर्नियल स्क्लेरल सीजर। नेक्स्ट आपका इंस्ट्रूमेंट आता है कैलाजियन क्लंप, ठीक है, कैलाजियन क्लंप आपका नंबर वन फिक्स द कैलाजियन, सेकेंड इंजोर हिमोस्टेसिस, थर्ड आपका इंटरलेजनल इंजेक्शन ऑफ स्टीरोइड। जो आपको लेकिन इसकी पोजीशन पता होना चाहिए दोस्तों, पहले आई लीड को जो ये एक साइड मतलब आपका इसमें ओपनिंग रहता है एक में नहीं रहता है, तो हम जो ओपनिंग नहीं रहता है वो हम अंदर बाहर की तरफ करते हैं, ओपनिंग वाला अंदर की तरफ, फिर आई लीड को रिट्रैक्ट करके हम उसमें इंसिजन देके उसको हम बाहर उसका जो मटेरियल उसको बाहर निकालते हैं, ठीक है, ये प्रोसीजर पूछ सकता है आपसे। नेक्स्ट आता है आपका मूलर सेल्फ रिटेनिंग एडजस्टेबल हिमोस्टेटिक रिट्रैक्टर। ये आपका यूज और कॉन्ट्राइंडिकेशन, यूज कहाँ होगा, डेक्रोसिस्टेक्टोमी, सेकेंड डेक्रोसिस्टोराइनोस्टोमी, और इसको हम कब यूज करेंगे, जब एंगुलर वेन की इंजरी, कटिंग द मिडल पेल्विक लिगामेंट, इससे हो सकता है, ठीक है, इसका हम यूज़ नहीं करेंगे इस किन कंडीशनों में। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट आता है दोस्तों लैक्रिमल बोन पंच। लैक्रिमल बोन पंच है वो आपका ब्रेक बोन
में हेल्पफुल होता है। कौन से बोन ब्रेक कर सकते हैं? लैक्रिमल, नेजल, फ्रंटल प्रोसेस, मैक्सिला। नेक्स्ट प्रोसेस, नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट आता है दोस्तों, जो मैंने पहला इंस्ट्रूमेंट किया था कैरेटोम, वैसे एक इंस्ट्रूमेंट होता है क्रेसेंट नाइफ। इन दोनों को हम डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। देखिए ये लास्ट में डायमंड शेप्ड होता है और ये आपका आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए हमें। नेक्स्ट आता है इंट्राओकुलर चोपलर, चोपर एंड डाइलर, ठीक है। जो आपका कैटरेक्ट सर्जरी के अंदर जो इंट्राओकुलर को मूव करने के लिए, जो हिपेटिक पार्ट होता है उसको मूव करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, और चोपर आपको लेंस को काटने के लिए। और नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट आता है दोस्तों कैरोटिड आर्टरी फोरसेप एंड आर्टरी हेमोस्टेटिक फोरसेप। एक करो थिक स्ट्रेट होती है, दोनों का मेन फंक्शन दोस्तों रिड्यूस ब्लीडिंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इविस्ट्रेशन स्कूप। इविस्ट्रेशन स्कूप में आपका पूछा जाता है कि कौन से इंडक्ट रहते हैं, स्क्लेरा रोपटिनो को छोड़कर हम बाकी चीज़ें निकालते हैं, और स्कूप में क्या क्या निकल साथ आएगा, लेंस, विट्रेस, यूविया, रेटिना, और ठीक है प्रोसेडर पूछेगा आपसे। और जो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों वो है आपका साइमल्टेनियस एरीगेशन एस्पायरेशन ट्यूब। इसमें ये पूछता है कि आपका एरीगेशन कौन सा है, एस्पायरेशन कौन सा है, और यूज़ कब किया जाता है इसका। कोर्टिकल साइमल्टेनियस एरीगेशन एस्पायरेशन ऑफ कोर्टिकल मेट्रियन इन ECCE और रिमूव द विस्कोइलास्टिक मटेरियल आफ्टर इंसर्शन ऑफ इंट्राकुलर लेंस, ठीक है। इसका यूज़ पता होना चाहिए, ट्यूब पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि इनमें से एस्पिरेशन ट्यूब कौन सी है और एरीगेशन कौन सी है। नेक्स्ट आता है वायर वैक्टिस। वायर वैक्टिस का यूज़ होता है टू रिमूव ए डिसलोकेटेड लेंस टू डिलीवर न्यूक्लियस इन ECCE, ठीक है। ये ECCE टाइप ऑफ कैटरेक्ट सर्जरी होता है, और इसको हम कैन बी रिप्लेस्ड बाई मैकनमारा स्पून एंड इंट्रा कैप्सुलर फोरसेप, ठीक है। ये अदर यूज़ कर सकते हैं यदि ये हमारे पास अवेलेबल नहीं होता है तो। नेक्स्ट आता है एरीगेटेड वायर वैक्टिस। इस सेम ही वायर वैक्टिस की तरह होता है, लेकिन इसके अंदर एरीगेशन का भी ऑप्शन मिलता है। एरीगेशन मिलेगा तो हम एक हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर मैकेनिकल पुल प्रोवाइड कर सकते हैं और न्यूक्लियस इजीली कम बाहर आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है जो आपके एक साथ हमने सभी इंस्ट्रूमेंट को लेबल किया है, आप देख सकते हैं कि पहले वाला कौन सा है, 26 गोज बैंड नीडल सिस्टिटोम। नेक्स्ट एरीगेटिंग वायर वैक्टिस, फिर वायर वैक्टिस, फिर मोक्स मोक मैकफोर्सन फोरसेप, ठीक है। इंट्राओकुलर डाइलर, और नेक्स्ट है सिनकोई बायोप्सी एरीगेशन एस्पायरेशन कैनुला, इसका नाम पता होना चाहिए पूरा। उसके बाद आता है एंटीरियर चैम्बर कैनुला। नेक्स्ट है दोस्तों यूनिवर्सल स्प्रिंग एक्शन कॉर्नियोस्क्लेरल सीजर। पहला सबसे पहले मैंने कैरेटोम पढ़ाई था, उसके बाद आता स्प्रिंग एक्शन बैराकुअर नीडल होल्डर, सेंट मार्टिन फोरसेप और आर्टरी फोरसेप, टूथ फोरसेप को सेंट मार्टिन भी, और लास्ट लास्ट है यूनिवर्सल वायर स्पेकुलम। और रिवीजन के लिए आप ये लास्ट वाली स्लाइड देख सकते हैं, अपने आप से पहचानिए, ठीक है। ये आपका एरिगेटिंग वायर वैक्टिस, ये वायर वैक्टिस, ये मैकफोर्सन, ये इंट्राकुलर डाइलर, ये तुम्हारा सिन के एरीगेशन एस्पायरेशन कैनुला कैरेटोम, ठीक है। ये तुम्हारे दोनों टूथ और सेंट मार्टिन, ये तुम्हारा यूनिवर्सल वायर स्पेकुलम, ठीक है। ऐसे आप लास्ट में रिवाइज कर सकते हैं। तो थैंक यू।